हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन प्रिया कुकिंग रेसिपी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ स्वीट ब्रेड। तो आइए मैं अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ। स्वीट ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 6 ब्रेड लिए हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ब्रेड को बीच से कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसे ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है और अब मैं सारे ब्रेड को ट्रायंगल शेप में कट कर लूँगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारे ब्रेड कट कर लिए हैं। तो अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा है। तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम ब्रेड को इसमें ऐड करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ब्रेड को हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाए। मैंने इसे यहाँ पे दोनों साइड से पलट कर फ्राई कर लिया है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए, ब्रेड यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। तो इसी प्रोसेस के साथ हमें सारे ब्रेड को फ्राई कर लेना है। तो अब यहाँ मैंने सारे ब्रेड को फ्राई कर लिए हैं। तो अब बारी आती है इसको चाशनी में भिगोने की। तो चलिए हम आगे की प्रोसेस को शुरू करते हैं दोस्तों। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे चाशनी को गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ पे बची हुई चाशनी यूज की है जो मैंने मालपुए बनाने टाइम बनाई थी। आप चाहें तो दूसरी चाशनी को भी बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को चाशनी बनाने की वीडियो चाहिए तो आप मेरे मालपुए वाले वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उसमें चाशनी बनाने की विधि को बताया है, जिसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आपको आसानी होगी देखने में। तो अब हम फ्राई किए हुए ब्रेड को चाशनी के अंदर रखेंगे और इसको चारों तरफ से भिंगोते हुए तुरंत ही निकाल लेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा चाशनी सोख लेंगी और ये ज़्यादा मीठी हो जाएंगी, तो फिर खाने में ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा। तो हम इसे भिंगा कर तुरंत निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और इसी प्रोसेस के साथ हम सारे ब्रेड को चाशनी में भिंगो लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सारे ब्रेड को चाशनी में डुबो के रख लिया है प्लेट में। तो इसके बाद हम उस पर से थोड़ी सी चाशनी और ऐड करेंगे। और अब मैंने यहाँ इस पर थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाला है। इससे टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है और इसके लुक्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं दिखने में कितना अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा स्वीट ब्रेड एकदम रेडी है। इसी तरह आप भी इसे ट्राई करें, ये आपको भी बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक बटन को दबाना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तब तक के लिए इन्जॉय माई वीडियो एंड बाय बाय।